हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज वर्ल्ड। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मेनली ना तो कोई शॉपिंग हॉल है और ना ही मेकअप के प्रोडक्ट्स के ऊपर है। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मेनली उसका कंटेंट अलग है, तो आप ये वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके पास जो एक बेल आइकन है उसको भी हिट कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ की जो भी जितनी भी नई नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आए। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, एज यूजुअल आप अपना मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा इसी तरह। उसके लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आप अपने लुक को बहुत ही एलिगेंट और सोफेस्टिकेटेड बना सकते हैं। उसके लिए जैसे आप अपना फैब्रिक खरीदते हैं, अगर आपका फैब्रिक इनएक्सपेंसिव भी हो तो उसको भी आप एक ऐसे एक रॉयल लुक में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं। और अपने लुक को एलिगेंट बनाने का जो तरीका है वो आपके दो पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले है कलर, आप फैब्रिक का कलर कैसे चूज़ करते हैं, और सेकंड है उसका डिज़ाइन। डिज़ाइन के लिए आप जो मेनली होता है आप अपने फिटिंग्स कैसे करवाते हैं ड्रेस का, उस वो मेनली आपका डिपेंड करता है आप जहाँ से स्टिचिंग करवाते हैं। तो अगर आप ये दो पैरामीटर्स पे थोड़ा ध्यान देंगे तो आपका जो लुक है बहुत ही रॉयल, एक क्लासी लुक आपको प्रोवाइड करेगा आपका ड्रेस। तो उसके लिए मैं आज आपको बताऊँगी जो ब्लैक कलर है मेनली, उसके ऊपर आज मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ कि ब्लैक कलर एक ऐसा कलर जो आइदर फेयर स्किन टोन हो, आइदर डस्की स्किन टोन हो, और आइदर मीडियम कॉम्प्लेक्शन अगर हो, सब पे बहुत ही अच्छा लगता है। तो उस ब्लैक कलर से हम ऐसा क्या ड्रेस बनाएं जो बहुत ही एलिगेंट लुक प्रोवाइड करे, तो मैं इसी के बारे में आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले है पटियाला सूट। पटियाला सूट के लिए सबसे पहले अगर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक ब्लैक एंड लाइट ग्रीन के कॉम्बिनेशन में एक पटियाला सूट है, उसमें एक स्लीवलेस ब्लैक कलर का सूट है। और अगर आप किसी डार्क शेड का अगर आप सूट पहनते हैं तो आप हमेशा प्रेफर कीजिएगा कि जो नीचे का बॉटम वेयर है, जो भी आप पहनते हैं पटियाला या नीचे जो भी पहनते हैं, वो थोड़ा लाइट कॉम्बिनेशन में हो, लाइट शेड में हो। उससे क्या होता है आपके कलर जो है वो पॉपअप होते हैं, आपको वो इजीली दूसरों को आपके और अट्रैक्ट करता है, वो देखने में लुक बहुत अच्छा लगता है लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले अगर आप एक स्लीवलेस बनवाते हैं तो आप सबसे पहले प्रेफर कीजिएगा कि उसके नीचे जो आप बॉटम वेयर पहने वो थोड़ा सा लाइट शेड में हो, और दुपट्टा जो है वो भी एक अलग शेड का लें जो कि उसके साथ मैचिंग उसका अच्छा कॉम्बिनेशन लगे, तो वो देखने में बहुत ओवर लुक प्रोवाइड करता है। सेकेंड इमेज में अगर आप देख रहे हो कि एक ब्लैक कलर का सूट है, उसके साथ एक मल्टी कलर का आपका जिगजैग पैटर्न बना हुआ है, पूरा सूट आपका प्लेन है, बट जो सूट में जो मेन खासियत है अगर आप थोड़ा मल्टी कलर के आप कुछ डिज़ाइन लेंगे, खासकर जिगजैग पैटर्न हो या कुछ भी हो, तो वो आपको बहुत ही एक एलिगेंट लुक प्रोवाइड करता है। उसके साथ अगर आप एक थोड़ा डार्क शेड का जैसे रेड हो गया, वाइट हो गया, उस कॉम्बिनेशन में वो जो आपका डिज़ाइन है उसी की कॉम्बिनेशन में एक दुपट्टा लेंगे तो वो भी आपको जो सोफिस्टिकेटेड लुक प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट पटियाला का डिज़ाइन जो है अगर आपको दिख रहा होगा ब्लैक और पिंक कलर के शेड में जो है, अगर आप एक प्लेन ब्लैक कलर का सूट बनवाते हैं और उसके नीचे एक जो पटियाला है वो थोड़ा पोल्का डॉट्स का बनवाते हैं या स्ट्राइप्स के रिलेटेड बनाते हैं, तो वो देखने में बहुत ही आपका जो है बहुत एलिगेंट लुक लगता है। और उसके साथ अगर आप ब्राइट कलर की चुन्नी ले लें तो उससे लुक जो है आपका और भी इन्हेंस होता है। आजकल नेट जो है वो भी बहुत ट्रेंड में है, तो अगर आप एक पूरा सूट ही नेट का बनवाते हैं तो भी आपका लुक बहुत अच्छा लगता है। और अगर किसी को नेट का सूट नहीं पसंद है तो अगर आप पूरे सूट को प्लेन रख के आप सिर्फ आपका स्लीव्स जो है वो नेट का रखवाते हैं और साइड में सूट के एक बॉर्डर लगवाते हैं अच्छा सा खरीद के, और उसको हाईलाइट करते हैं एक ब्राइट दुपट्टे के साथ, तो भी आपका लुक बहुत ही ग्रेसफुल लगता है, बहुत ही अच्छा लुक आता है। नेक्स्ट सूट जो है गाइस, अगर आपको दिख रहा होगा पिक्चर में कि ब्लैक और गोल्डन के कॉम्बिनेशन में है, इसमें अगर आप किसी पार्टी वेयर में जाने के लिए या शादी फंक्शन में जाने के लिए कोई सिल्क के कपड़े के ऊपर हेवी एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क वाला अगर आप सूट बनवाते हैं और उसको अगर पटियाला अगर उसका पैंट नीचे का बॉटम पटियाला बनवाते हैं और उसको एक नेट का दुपट्टा हो या प्लेन जॉर्जेट के दुपट्टे के साथ सेम कलर के दुपट्टे के साथ अगर आप उसको स्टाइल करते हैं तो वो लुक भी बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो डिज़ाइन है जो अपने सूट पे बनवा सकते हैं वो है प्लाजो सूट, या कह सकते हैं प्लाजो सेट, जो कि बहुत ही ट्रेंड में है।
सबसे पहले जो प्लाजो का डिज़ाइन आपको पिक में दिख रहा है वो ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में है, जो स्लीवलेस ड्रेस पहनने में कंफर्टेबल है तो वो अपना जो ऊपर का जो कुर्ता है या जो आपका टॉप है वो नी लेंथ या उससे छोटा लेंथ का आप एक बनवा सकते हैं प्लेन, और उसको हाईलाइट करने के लिए नीचे का जो बॉटम वेयर है, नीचे का जो प्लाजो है, कोई भी ब्राइट कलर आप कह लीजिए रेड हो या ऑरेंज हो या पिंक हो उससे बनवा सकते हैं, और उसको दुपट्टा और विदाउट दुपट्टे के साथ अब उसको स्टाइल कर सकते हैं। और जो लोग स्लीवलेस पहनने में कंफर्टेबल नहीं हैं वो अपने स्लीव्स को या तो शॉर्ट स्लीव्स या तो थ्री क्वार्टर में कन्वर्ट करके उसे स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लाजो का डिज़ाइन है वो ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन में है। ब्लैक जो है और वाइट का कॉम्बिनेशन है जो आइज़ को बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, क्योंकि ऊपर का जो टॉप है वो डार्क शेड में है और नीचे का जो बॉटम जो वाइट कलर है वो बहुत ही लाइट शेड में आता है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट देता है ड्रेस को। तो आप इस टाइप का ड्रेस भी बनवा सकते हैं और इसको किसी भी दुपट्टे के साथ आप स्टाइल कर सकते। नेक्स्ट जो डिज़ाइन है वो ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में है। कुर्ता पूरा ही प्योरली प्लेन है और उसके जो फ्रंट में जो अप टू चेस्ट एरिया वहाँ पे सिर्फ वर्क किया हुआ है, और उसके जो स्लीव्स है उसमें सिर्फ बॉर्डर है, और उसको हाईलाइट किया हुआ है। नीचे जो पैंट है वो चेकर्ड प्रिंट में है, चेक्स में है, सिल्वर और ब्लैक के चेक्स में है, तो वैसा कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप कोई भी कलर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, सिल्वर के साथ ले सकते हैं, गोल्डन के साथ ले सकते हैं, कुछ भी, ताकि ऊपर और नीचे का अगर आप दोनों थोड़ा सा कंट्रास्टिंग लें, अगर ऊपर का प्लेन रखें और नीचे का थोड़ा डिज़ाइनिंग वाला कुछ वर्क वाला आप नीचे का बॉटम वेयर रखें तो वो बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट लगता है। नेक्स्ट जो डिज़ाइन है वो ब्लैक और पिंक के कॉम्बिनेशन में है। अगर आप अपना फैब्रिक ऐसा सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे आपका टॉप और बॉटम सेम डिज़ाइन उस पर सेम वर्क है, तो आप उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक कोई भी ब्राइट कलर का दुपट्टा ले सकते हैं, और उस दुपट्टे पे अगर थोड़ा सा हेवी वर्क किया हुआ हो थ्रेड का या एम्ब्रॉयडरी हेवी हो तो वो आपके लुक को बहुत ही गॉर्जियस बनाता है और बहुत ही आपके लुक को इन्हेंस करता है। नेक्स्ट आप जो डिज़ाइन बनवा सकते हैं वो है ब्लैक और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन के साथ। इसमें आप पूरा जो है ए लाइन एक कुर्ता बनवाइए, वो पूरा ब्लैक कलर का हो, और उसके जो नेक का पोर्शन या हैंड के पोर्शन के स्लीव्स में सिर्फ आप कोई लेस लगवाइए, और नीचे का जो बॉटम वेयर है वहाँ पे एक अच्छा सा लेस लगवाइए, और उसको हाईलाइट कीजिए दो कलर के दुपट्टे के साथ, मल्टी कलर का, दो शेड या तीन शेड का दुपट्टा हो, आइदर रेड ऑरेंज या रेड पिंक कोई भी कलर का हो, और उसमें थोड़ा सा गोल्डन का अगर वर्क हो तो ये भी आपके लुक को बहुत ही अपलिफ्ट करता है, बहुत ही अच्छा बनाता है। जो आपका डिज़ाइन है वो है शरारा। आप शरारा सूट बनवा सकते हैं, ये भी बहुत ही ट्रेंडी ड्रेस है। जैसे कि जो लोग थोड़े से थिनर कैटेगरी में आते हैं, थोड़े दुबले पतले होते हैं, या थोड़ी हेवी कैटेगरी में अभी आते हैं, अगर आप शरारा नीचे बॉटम वेयर में पहनते हैं तो ये आपके लुक को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। सबसे पहले शरारा में डिज़ाइन आता है ब्लैक और ब्राउन के कॉम्बिनेशन के साथ, तो आप एक नी लेंथ की एक कुर्ती बना सकते हैं या उससे थोड़ा सा लंबा अगर आप कुर्ता पहनते हैं तो बनवाइए, और उसके साथ जो आपके हाथ हैं उसके स्लीव्स पे अगर आप थोड़ा सा जो कलर का आपका शरारा उसी की पाइपिंग करवाते हैं तो वो देखने में बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट लगता है। और शरारा भी आप कोई भी कलर का कॉम्बिनेशन आप चूज़ कर सकते हैं, बट प्रेफर कीजिए कि थोड़ा सा डिफरेंट कलर हो ताकि वो थोड़ा हाईलाइट हो। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है ब्लैक और गोल्डन के साथ। अगर आप अपना एक ऐसा फैब्रिक चूज़ करते हैं जहाँ पे आपका टॉप और बॉटम जो है उसमें बहुत ही हेवी एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, और उसको अगर आप स्टाइल करते हैं कोई भी जॉर्जेट या नेट के दुपट्टे के साथ, तो ये आपके बहुत सारे पर्पस सॉल्व करता है। जैसे कि आप कोई भी वेडिंग फंक्शन हो या पार्टी फंक्शन हो उसमें अगर आप ये पहनते हैं तो ये आपके लुक को बहुत ही अट्रैक्टिव एंड ग्रेसफुल बनाता है। नेक्स्ट जो डिज़ाइन आप बनवा सकते हैं वो है अनारकली सूट। अनारकली सूट भी बहुत ही ट्रेंड में है। पहले ये जो ड्रेस है ये सब ड्रेस अनारकली पैटर्न जो है पहले पहना जाता था, लेकिन वही जो पैटर्न है अभी घूम फिर के फिर ट्रेंड में आ चुका है। अगर आप इस ड्रेस को बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ बनवाते हैं, बहुत अच्छे फिटिंग्स के साथ बनवाते हैं, तो भी ये आपके लुक को बहुत ही सोबर बनाता है।
सबसे पहले अगर आप इमेज में देख रहे होंगे ब्लैक और गोल्डन की कॉम्बिनेशन में एक अनारकली है, तो आप एक प्लेन ब्लैक कलर का अनारकली सूट सिलवा सकते हैं और उसमें एक हैवी बॉर्डर अगर आप लगवाएं नीचे के साइड और ऊपर नेक के साइड, और अगर आप हाथ जो है फुल स्लीव्स बनवाते हैं तो उसके भी अगर स्लीव्स के एंड में अगर आप डिज़ाइन लगवाएं बॉर्डर लगवाएं तो भी वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ अगर नेट का दुपट्टा या जॉर्जेट का गोल्डन कलर का दुपट्टा या कॉन्ट्रास्टेड जो भी कलर का आप सूट पहनते हैं उसके कॉन्ट्रास्ट का अगर आप दुपट्टा लेंगे तो ये भी आपके लुक को बहुत ही गॉर्जियस बनाएगा। नेक्स्ट जो अनारकली है गाइस वो ब्लैक कलर का है। अगर आप एक सिल्क का अगर आप एक अनारकली सूट सिलवाते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं उसके स्लीव्स के थ्रू, जैसे कि पिक में आपको दिख ही रहा होगा कि इसके स्लीव्स में जो है स्ट्राइप्स है, या आप कोई फ्लोरल प्रिंट या कोई भी टाइप का अगर आप प्रिंट बनवाते हैं और नॉर्मली पूरा मैचिंग लेते तो भी ये आपके ड्रेस को हाईलाइट करता और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आपको लुक प्रोवाइड करता। और ये आपके डेली वेयर यूज़ के लिए आप इस टाइप का ड्रेस बनवा के पहन सकते हैं। नेक्स्ट जो डिज़ाइन है आप बनवा सकते हैं वो है सिगरेट पैंट्स। सिगरेट पैंट्स को हम जो है पेंसिल पैंट्स और स्लिम फिट पैंट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका जो फिटिंग होता है वो बिल्कुल नैरो होता है और ये एंकल लेंथ तक होता है। तो ये आप किसी भी अनारकली या चूड़ीदार या आप किसी भी कुर्ती के साथ आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। आजकल ये भी बहुत ट्रेंड में है और ये आपको एक बहुत ही क्लासिक लुक प्रोवाइड करता है। सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन है आप देख रहे होंगे ब्लैक एंड रेड के साथ है। ब्लैक कलर का एक लॉन्ग कुर्ती है और उसके साथ सिगरेट पैंट्स के साथ उसको स्टाइल किया गया है, और उसको हाईलाइट करने के लिए क्योंकि दोनों ही ब्लैक में है उसको हाईलाइट करने के लिए एक रेड कलर का दुपट्टा है और उस पर आपका पोल्का डॉट्स है और नीचे की साइड आपके लटकन लगे हुए हैं। ये भी बहुत ही एक ट्रेंडी स्टाइल है अपने लुक को इन्हेंस करने का। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो ब्लैक और गोल्डन में है। ये थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ब्रॉकेट डिज़ाइन का लुक देता है। अगर आप इस टाइप का सूट सिलवाते हैं जहाँ पे गोल्डन ही पूरा ऑल ओवर सूट का कलर होता है, कुर्ती का कलर है, उस पर अगर ब्लैक के डिज़ाइन बना हुआ है तो आप इसको जो है सिगरेट पैंट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। और आप एक बनारसी दुपट्टा या कोई भी थोड़ा सा गोल्डन वर्क के साथ दुपट्टे के साथ इसको स्टाइल कर सकते हैं। जब भी आप सिगरेट पैंट पहने तो आप अगर उसके नीचे थोड़ा हाई हील वाले सैंडल या बेलीज पहने तो ये बहुत ही अच्छा आपको लुक देता है। और अगर आप इसके नेक का थोड़ा डिज़ाइन जो है बोट नेक पैटर्न या कोई भी थोड़ा डीप नेक में बनवाएंगे तो ये आपके जो लुक का है और भी ट्रेंडी बना देगा। बट जो लोग कंफर्टेबल नहीं हैं तो वो नॉर्मल भी बनवा सकते। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आपको पिक में दिख ही रहा है कि एक लॉन्ग कुर्ती है जिसका जो स्लीव्स है हाथों का वो ट्रांसपेरेंट या आइदर नेट का आप रखवाएँ, और उसको अगर आप सिगरेट पैंट्स के साथ स्टाइल करें तो वो भी बहुत जो है ट्रेंडिंग लुक आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन जो लोग कम्फर्टेबल नहीं है सिर्फ कुर्ती वेयर करने के साथ, और आप उसको क्या कर सकते हैं कोई भी एक ब्राइट कलर का दुपट्टा के साथ उसको स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि पिक में आपको दिख रहा है कि बांधनी का एक रेड कलर का दुपट्टा है और उसके जो साइड पे है गोटा पत्ती का लेस लगा हुआ है, ये आपके लुक को और भी इन्हेंस करता है। इस टाइप का आप लुक जो है क्रिएट कर सकते हैं। और अगर उसके नीचे आप मोजरीज पहने, आप जूतीज पहने पंजाबी, तो ये आपके लुक को और भी क्लासी बना देता है। आई होप गाइज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी टाइप के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं ताकि आपके लिए इस टाइप के और वीडियोज़ लेके आऊँगी। और आप मेरे चैनल को जितना हो सके मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके पास एक बेल आइकन है उसको भी हिट कीजिएगा, और मेरी वीडियोज़ को जितना हो सके लाइक शेयर कीजिएगा। और अगली वीडियो में हम दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।